किसी एथलीट से जाके पूछेगा कि भाई इतनी तेज इतनी दूर बिना रुके बिना थके कैसे भाग लेते हो, इतना स्टेमिना इतनी जान आती कहां से है। तो अगर वो सही में एथलीट होगा तो वो इस बेतुके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सवाल उसके मन में एक दूसरा सवाल पैदा करेगा और वो ये कि तू क्यों नहीं भाग पाता बे, तुझे भी तो उस भगवान ने मेरी तरह दो हाथ दो पैर दिए हैं तो सीधा सीधा भागता क्यों नहीं है, फालतू के सवालों में खाली पीली अपनी सांसें क्यों गंवा रहा है। और शायद ये सारे सवाल ही हमें मेहनत करने से रोकते हैं। और चल मान लिया इनका जवाब मिल भी गया तो क्या भाई मिल्खा बन जाएगा। हमारे देश में स्पोर्ट्स खेलते कम हैं, उसके वीडियो गेम्स, उस पे सट्टे, वो ट्रंप कार्ड जैसे उनके ताश जैसे पत्ते, ये स्टैट्स वो स्टैट्स। अगर हमारे पास असली स्पोर्ट्स का कुछ है तो वो बस स्पोर्ट्स की मैथ्स, फुटबॉल का बास्केटबॉल का मैथ्स, दुनिया से नोखी जानकारी मेरे ये सो कॉल्ड स्पोर्ट्स फ्रीक्स के पास, इन हवा के गुब्बारों के पास बतेरी मिल जाएगी। बड़े बड़े स्पोर्ट्स देखना अलग बात है, अबे खेलो भी तो। मैनचेस्टर यूनाइटेड फलाना ढीकड़ा पे आर्टिकल लिखवा लो इनसे, लेना एक ना देने दो, बस मुझे ESPN लगा के मम्मी पॉपकॉर्न बना के दो। और जब सही में भागने की बारी आती है ना तो ये सारे स्पोर्ट्स के दीवाने पहले राउंड में हाफ हाफ कर कोरोना के पेशेंट बन के बैठ जाते हैं। क्या पता ये राज ही रह जाए कि वो एथलीट इतनी तेज इतनी दूर बिना थके बिना रुके कैसे दौड़ देता है और हमारी यहाँ भैंस शुरू होने से पहले ही पानी में चली जाती है। भागना तो यार हमारा नेचुरल स्टाइल है, ऊपर वाले ने हमें इस खतरनाक एक्सरसाइज से लेस करके भेजा है। और कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर स्टेमिना बढ़ाना हो तो इन पैरों को तो भाई उठाना पड़ेगा, क्योंकि भागना कोई बिजली की तरह 150-200 साल पहले इन्वेंट हुई चीज नहीं है। जब इंसान ने बोलना भी नहीं सीखा था ना, उससे भी पहले से हम भागते आए हैं। हम अकेले स्तनधारी हैं, मैमल्स, जो बस दो पैरों पे चलते भागते और उछल सकते हैं, बिना रुके बिना थके सबसे ज्यादा देर तक इन पे खड़े रह सकते हैं। हमारे अलावा और भी हैं जैसे कंगारू, लेकिन वो बीच बीच में किसी और तीसरे चौथे पैर पे या पूंछ पे अपना लोड डालते रहते हैं। और फिर ये पक्षी लोग, ये चिड़िया लोग, ये भी हमारी तरह जब पंखों पे नहीं होते तो दो पैरों पे ही चलते हैं। तो अगर इन्होंने अपने हाथों को पंख बना लिया है यार, तो हम भी थोड़ी तेज दौड़ने की कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि सिर हम उड़ने के लिए बने हैं। फिर जैसे बोझ उठाना, वेट्स उठाना, ये क्यों करना है? डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, फुटबॉल, हॉकी, इन सब गेम्स का कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, और वो है बस जीतना। और दुख की बात ये है कि ज्यादातर फिटनेस वाले लोगों से भी पूछो तो यही जवाब मिलेगा कि ना 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 ना, ज्यादा तेज नहीं दौड़ना, इतना तेज दौड़ के चोट लग सकती है, कि सबसे तेज दौड़ के सबसे तेज तैर के कहां जाना है, इतना अपने शरीर को हमें भाई नहीं हिलाना है। थोड़ा थोड़ा करो, फिट रहो, खुश रहो। हम यार कंप्लेसेंट हो गए हैं, सेटिस्फाइड हो गए हैं, अकेले तू या मैं नहीं, पूरा का पूरा देश। देख, जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, आज इंसान इतना विकसित हो चुका है कि हमने जंग लड़ने के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपना लिए हैं, और उनमें से एक स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स क्यों शुरू हुए थे पता है? ताकि हम बिना लड़े बिना किसी की जान लिए एक दूसरे से बिना उलझे जितना हो सकता है उतने सुरक्षित माहौल में अपने अपने देश के दमखम का इस दुनिया के समक्ष प्रदर्शन कर सकें, सबको ये दिखा सकें कि हम जीतने के लिए भूखे बैठे हैं, और हमसे जो टकराएगा वो बस हार हार के चकना चूर हो जाएगा। और जैसे कि देखने को मिलता है ही, जो सबसे विकसित देश हैं वो ही सबसे ज्यादा मेडल्स लेके जाते हैं, या यूं कह लो
कि वो विकसित शायद इसलिए भी हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा जीत के जाते हैं। दोनों ही बातें हैं, हाथ को हाथ धोता है, पर अंडा पहले आया या मुर्गी, ये तो आइंस्टीन भी नहीं बता पाया था। गौर से सुन, जिस देश के एथलीट्स मेडल्स लाने के लिए भूखे बैठे हों और इतने भूखे कि वो उसको अपना निजी मामला समझकर उसके लिए अपना जीवन तक दांव पे लगा दें, तो उस देश की सरकार का अपनी जनता में और उसकी जनता का खुद पर विश्वास बढ़ता चला जाता है। और देखा जाए तो एथलीट्स हमारे देश के सिपाही ही तो हुए जो हर 4 साल में होने वाली एक शांतिपूर्वक जंग के लिए खुद को तैयार करते रहते हैं, तो वो तो भागेंगे ही ना। दुनिया बदल रही है, इसके तौर तरीके बदल रहे हैं, मिलने के, बात करने के, हर काम को करने के ढंग बदलते जा रहे हैं। जो चीजें शायद हम कभी सपनों में भी नहीं देख पाते, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज बस कुछ 100 साल पहले जन्मों जन्मों तक हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, वो आज बस एक सर्च बार की दूरी पर बैठी हैं। खुशी हो या गम, उनको व्यक्त करने के स्टाइल हैशटैग्स में बदल रहे हैं। और जब सब बदल रहा है तो सक्सेस कैसे पीछे रह सकती है, उसकी भी तो परिभाषाएं बदल रही होंगी, उसको पाने के, महसूस करने के तरीके बदल रहे होंगे। मगर सबसे जरूरी इन सब बदलावों के बीच, क्या हम बदल रहे हैं? हमें खेलने कूदने दौड़ने भागने को एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहादुर वो नहीं जो गलती से जंग जीत आए, बहादुर वो है जो सोच समझकर अपनी अगली चाल चलने से पहले, अपने शिकार पे लपकने से पहले, उसको ये धीमे से उसके कान में बोल के आए कि तेरी तो मैं कह के लूंगा।